नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 34 में हम आपके साथ प्रियंका राजपूत, खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। बस्तर के जिला कलेक्टर रजत बंसल ने नक्सल प्रभावित कॉलेज का किया दौरा। बस्तर कलेक्टर एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों साथ में नक्सल प्रभावित गांव में दिखाया। इसी दौरान बस्तर कलेक्टर ग्रामीणों के घर भी रुके तथा ग्रामीणों के घर में बना हुआ खाना भी खाया। बता रहे कि इससे पहले भी बस्तर के कलेक्टर ने नक्सल प्रभावित गाँव का दौरा किया है और रात भी बिताई है। अपने भी जिले के सबसे बड़े अधिकारी को पाकर गांव के लोग काफी उत्साहित थे। ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याओं को कलेक्टर के सामने संभव प्रयास और ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने का वादा किया। वो नक्सल प्रभावित गांव को लेकर विकास कार्य अच्छी कर रहा है। ऐसे में प्रशासन अधिकारियों के यहाँ पहुँचने और रात बिताने से ग्रामीणों को उम्मीद जागी है कि अब उनका गाँव विकास कार्यों में अछूता नहीं रहेगा। प्राइम न्यूज 34 जगदलपुर से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। कहाँ, गांव का नाम क्या है? ग्राम। अच्छा, आज आपके घर में खुद कलेक्टर साहब, एसपी साहब आए हुए हैं, आप लोग जो है उनको खाना भी खिला रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बार आकर ना कलेक्टर यहाँ आ रहे, एसपी साहब आकर खा लिए। इससे पहले कभी आपने देखा था कलेक्टर को? हाँ, पहले वहाँ के कैंपो नहीं खुला था ना, स्कूल में आया था। इससे पहले कभी कोई कलेक्टर इस गांव में रात रुका है? नहीं। तो अब रात भी रुक रहे हैं, तो बताइए, इससे पहले कोई नहीं रुका रात में? पहले बार रुके हैं, बताइए। पहली बार तो नहीं, कलेक्टर। अच्छा, गांव में कैसा माहौल है? क्या अब कलेक्टर खुद आए गए हैं आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए? क्या मानेंगे आप कलेक्टर से? अच्छा, गांव वाले क्या सोच रहे हैं? गांव वाले क्या कपड़ा लाना भी अच्छा लग रहा है। अब कोई परेशानी और? इसमें जितने भी ऐसे गांव हैं जो दुरस्त हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं संवेदनशील भी जिनको माना जाता है और लोग पहुँच नहीं पाते, खासतौर पर अधिकारी वर्ग नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर उन्होंने उनके निर्देश अनुसार हम लोग प्लान करके आज एसपी साहब के साथ आज यहाँ पर आए हैं और ग्रामीणों के बीच में हम लोगों ने आज क्रिकेट भी खेला और अभी खाना खा के बस उठे हैं और यहीं पर रात बिता के कल सुबह माननीय विधायक जी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और एक अच्छा आयोजन करके यहाँ इसको एक मॉडल विलेज के रूप में बनाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। सर, अपने तरीके से मैं मानता हूँ कि बस्तर का जो इंडिजिनस खाना है, जो लोगों का ट्रेडिशनल खाना है, उसका कोई तोड़ नहीं है। बड़े से बड़े फाइव स्टार होटल में भी उस प्रकार का खाना नहीं मिलता और शायद यही कारण है जिससे जो बार बार मुझे गांव की ओर लेके आता है। सर, ऐसा क्षेत्र है बस्तर जिले का जो कि सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड में से है और इसीलिए अभी लगातार हम लोग रोड का काम की भी समीक्षा करते हुए आ रहे हैं। एसपी साहब की पूरी टीम उसमें सुरक्षा भी प्रदान कर रही है जिससे कि रोड जल्दी हो। साथ में यहाँ पर टेलीफोन कनेक्टिविटी भी एक बड़ा मामला है और इंडोर रोड कनेक्टिविटी भी एक इशू है। उन सबको हम लोग देख रहे हैं और कल भी देखेंगे और उसी पे हमको लगातार काम करना है। बिल्कुल अच्छी ये सोच है सबकी और इसी को लेकर के हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आश्रम है वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनको हम लोग सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए तैयारी कराएंगे। साथ में इसको एजुकेशन हब बनाने के लिए भी हम लोग कवायद कर रहे हैं। अभी प्लानिंग करेंगे और उसके बाद उसको तत्काल इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जैसे कि हमको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि बस्तर को उसके जो संस्कृति है, उसकी जो आदिवासी वेशभूषा है, जो उसकी पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, जो एक आदिवासी पहचान है, उसमें हमको डालना है और उसको उजागर करना है। इसीलिए हम लोग इस तरह से इन गांवों में पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोच बदलने की आवश्यकता है। जब बस्तर के बारे में लोग सोचें तो उसको एक विश्व में एक आदिवासी कैपिटल के रूप में देखा जाए, उसी को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। ये लगभग 3 वर्ष पहले जब ये कैंप खुला था, उससे पहले ये इलाका में काफ़ी जो ऐसे तत्व हैं जो जिनसे काफ़ी खौफजदा रहते थे, ग्रामीण लोग काफ़ी यहाँ आना जाना रहता था, लेकिन जब से कैंप खुला है काफ़ी यहाँ पे सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ है। यही कारण है कि आज कलेक्टर साहब और हम दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं और निश्चय ही जो अब तक कार्य हुए हैं उसमें और प्रगति आएगी। जो बस्तर जो छत्तीसगढ़ शासन की जो एक त्रिवेणी योजना है, विश्वास की तरह सुरक्षा की, उसके रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि कैंप आ गया है तो उसके आसपास जो इलाके हैं वो बिल्कुल विकसित हों और वो एक रोल मॉडल की तरह वो देखा जाए। सर, बस्तर में पहुंच के यहाँ एक छोटे से घर में आप लोगों ने बस्तर यहाँ के जो लोग हैं, ये अनूठा अनुभव है और इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और भले ही हम
बहुत ही एग्जॉटिक डिशेस कई जगह खा लें, लेकिन जो ये यहाँ पर आके द्वारा पत्र में जो खाने का जो टेस्ट है वो निश्चय ही बहुत भिन्न है और बहुत ही अलग सा अनुभव है और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जनरली बस्तर के ट्रेडिशनल, हाँ ये जो इलाका है जो कोलिंग का इलाका है ये काफ़ी बस्तर से जो दूर है और ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क की समस्या है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग जबलपुर में महसूस नहीं कर पाते वो चीज़ों को यहाँ देखने को मिलती है। और कैंप आने के बाद से जिस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारा मकसद यही है कि यहाँ पर आकर के जैसे हम लोग आ जाए हैं ग्रामीणों के साथ, आसपास के चार गाँव के लोग भी आए थे, एक साथ उन लोगों ने खेला भी और जिस प्रकार से उनके साथ पार्टिसिपेट किया और जो एक पॉजिटिव माहौल निर्मित हो रहा है, हम यही चाहते हैं कि ये मैसेज बाहर तक जाए और बाहर भी लोग देखें कि जो बस्तर है वो बहुत बदल रहा है और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको बढ़ावा देने से लोग यहाँ आएंगे, लोग यहाँ की जो बस्तर की जो सुंदरता है उसको देखें, आसपास के जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उसको देखें और हमारा जो उद्देश्य है सुरक्षा देने का, बिल्कुल सुरक्षा के साथ देंगे तो यहाँ टूरिज्म विकसित होगा और लोगों के जो मानसिकता है, लोगों की सोच है, निश्चय उसमें पॉजिटिव एक चेंज आएगा।